नमस्कार, आईएन बुक्स के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारतीय सेना के 3 महानतम जनरल पर आधारित 3 किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इन किताबों के जरिए 3 जवानों के बारे में बताया गया है। पहली किताब कारतूस साहब, दूसरी किताब बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म और तीसरी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए। कारतूस साहब को रोली बुक्स ने पब्लिश किया है और इसके लेखक मेजर जनरल इयान कारदोस हैं। कारतूस साहब किताब एक ऐसे युवा लड़के की कहानी है जो भारतीय सेना का अधिकारी बना। यह किताब बताती है कि कैसे एक भारतीय सेना का अधिकारी जिम्मेदारी, रोमांच और चुनौतियों के जीवन का अनुभव करता है और कैसे उसने एक युद्ध के दौरान अपना एक पैर खो दिया। कारतूस साहब इयान कारदोस के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 3 दशकों में भारत माता की सेवा की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने 3 युद्ध में देश की रक्षा भी की। उनकी कहानी भारतीय सेना के कई अन्य अधिकारियों की कहानी हो सकती है जो उस चुनौतीपूर्ण समय के गुजरे थे। कारतूस साहब धैर्य और प्रतिबद्धता की सच्ची कहानी है जो पाठकों को उन अनगिनत उतार चढ़ावों से रूबरू कराती है जिनका सामना सैनिकों को अपने जीवन में करना पड़ता है। इस तरह से सैनिक अपने अधिक परीक्षा की स्थिति को अपनी प्रगति में लाते हैं। यह पुस्तक साहस, प्रयास और दृढ़ संकल्प का जीवन है जो कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक है। पेंगुइन इंडिया की किताब बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म को रचना भिष्ट रावत ने लिखा है। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बायोग्राफी है। इस पुस्तक में बिपिन रावत के जीवन का एक किस्सा बताया गया है। दरअसल जब वे 5/11 गोरखा राइफल्स में शामिल होने जा रहे थे, उस दौरान उनका आईटी कार्ड खो गया था। लेखिका ने पाठकों को बताया है कि जिस मेजर के पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, उसे पाकिस्तान सीमा पर उसकी कंपनी की चौकी तक ले जाया गया, क्योंकि उसने दुश्मन की सीधी निगरानी में दशहरा समारोह में अपने आदमियों के साथ शामिल होने पर जोर दिया। थल सेना प्रमुख जिन्होंने फैसला किया कि भारत सीमा पार आतंकवाद के हर कृत्य का तुरंत और खुले तौर पर जवाब देगा, और रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जो अपने गोरखा सैनिकों के साथ झामरे नृत्य करते हुए सबसे ज्यादा खुश थे। लेखिका रचना भिष्ट रावत ने अपनी इस किताब में बिपिन रावत के दोस्तों, परिवार के सदस्यों और साथियों के साथ लिए गए गहन इंटरव्यू शामिल किए हैं। यह किताब भारत के महानतम और सबसे विवादास्पद जनरलों में से एक के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लो की आत्मकथा कितने गाजी आए कितने गाजी गए को पेंगुइन इंडिया ने पब्लिश किया है। कितने गाजी आए कितने गाजी गए पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लो की आत्मकथा है। वह लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के साथ राजपुताना राइफल्स के एक इन्फेंट्री वेटरन हैं और उन्होंने कश्मीर में कई कार्यकालों में सेवा की है। लेखक न केवल अपने जीवन बल्कि कश्मीर के लिए भी अब तक बंद खिड़की खोले हैं। टिन्नी ढिल्लो ने 3 साल की उम्र से लेकर 1988 से 2020 तक कश्मीर में अपने कई कार्यकालों तक की सबसे कठिन चुनौतियों के बारे में अपनी आकर्षक कहानियों को भी याद किया है। उन्होंने कश्मीर में अपने कार्यकाल पर प्रकाश डाला, जहां एक और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच संतुलन बनाए रखने और दूसरी ओर ढिल्लो इस कहानी के एक अविभाज्य अंग के रूप में कश्मीर के साथ एक युवा लड़के से लेकर चिनार कोर के कमांडर बनने तक की अपनी पूरी यात्रा को पुनः प्राप्त करते हैं। यह पुस्तक कश्मीर पंडित के पलायन के मिथकों, असत्यों, क्या अगर और क्यों को स्पष्ट करती है और उसमें पुलवामा जिले में एक भारतीय सुरक्षा काफिले पर हुए बर्बर हमले को भी शामिल किया गया है, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। लेखक इस पुस्तक में अन्य घटनाओं के साथ साथ बालाकोट हवाई हमले
और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की व्याख्या करते हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करता है। यह पुस्तक पाठकों को जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर विभिन्न पेचीदा घटनाक्रमों की बारीकियों के बारे में बताती। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, एक किस्सा स्पष्ट विचारों चेतक आत्मकथा है, जो सेना के इस पूर्व सैनिक के जीवन की सच्ची कहानियों पर प्रकाश डालती है। पुस्तक सेनाओं में एक सैनिक के व्यक्तिगत, पेशेवर और सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक जीवन पर केंद्रित है। यह उनके द्वारा सामना किए गए परीक्षणों और कलेशों के बारे में एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है, लेकिन यह पाठकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को भी प्रेरित करेगी, विशेष रूप से युवा रक्षा उम्मीदवारों को।